नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से डराने वाली खबर सामने आई है। कॉर्बेट के जंगलों में बाघ ने नेपाली मूल के मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। जिम कॉर्बेट पार्क 15 नवंबर से आम पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। ऐसे में पार्क के अंदर हुई इस घटना ने कॉर्बेट प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुल रहे जिम कॉर्बेट पार्क में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नेपाल का रहने वाला शिवा अपने परिवार के 10 लोगों के साथ पार्क के अंदर जंगलों में झाड़ियां काटने का काम कर रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छुपे बाघ ने अचानक शिवा पर हमला बोल दिया। शिवा की चीख सुनकर उसके रीजन और पार्क के कर्मचारी उसे बचाने के लिए मौके पर दौड़े, लेकिन बाघ की दहाड़ सुनकर वे पीछे हट गए। शोरगुल के बीच बाघ ने शिवा को अपने जबड़े में ही दबाए रखा। बाघ को भगाने के लिए पार्क के कर्मचारियों को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग के बाद बाघ शिवा को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल से भाग गया। उसका बेटे का क्या नाम है? शिवा। उसके ऊपर हमला किया टाइगर ने? कहाँ काम कर रहे थे? हम टाइगर कॉर्बेट में झाड़ी काट रहे थे। उस टाइम आगे गर्म कर दिया, गार्ड साहब लोग भी थे। किसने हमला किया? टाइगर ने। तब जाके छोड़ा उसने। कैसे छोड़ा उसने? फायर करके। और हम भी गए, 10 आदमी उधर दौड़ दौड़ के। हाँ जी, उसको छोड़ाया। फायर करने के बाद छोड़ा? हाँ जी। बेटे की मौत हो गई? हाँ जी, वो तो एक्सपायर हो गया। परिजनों और पार्क प्रशासन गंभीर रूप से घायल शिवा को रामनगर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 दिन पूर्व ही बाघ ने रामनगर तराई के आम पोखरा रेंज में एक महिला और 2 युवकों पर भी हमला कर दिया था। उस हमले में महिला की मौत हो गई थी। कॉर्बेट पार्क में हुए बाघ के हमले ने कॉर्बेट प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।